क्या आपको भी हमेशा शंका रहती है, कंफ्यूजन रहती है कि आपको अपना ये चलना फिरना कब करना चाहिए? क्या इसे सुबह के समय करना चाहिए, शाम को करना चाहिए, खाली पेट करें या खाना खा के करें, किस वक्त आपको फायदा ज्यादा होगा? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बता पाऊंगा कि किस प्रकार चलने से आपको क्या फायदा या नुकसान हो रहे हैं। तो कृपया इसे समझकर आज से ही अपने चलने का नियम बनाएं और अपने शरीर को और स्वस्थ बना लें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। पैदल चलना एक बहुत ही अच्छी आदत और एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। इसे हमें हमेशा करते रहना चाहिए और इसके हमारे शरीर पर भरपूर फायदे होते हैं, जिसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, जिसे देखकर आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं किस वक्त चलने का सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो आजकल के संदर्भ में अगर बात की जाए, जहां पर ज्यादातर लोग अपने काम में बिजी रहते हैं और वो सारा समय अपने काम को ही दे पाते हैं, तो ऐसे में सबसे बेहतर समय हम बताएं तो वो सुबह का है, क्योंकि उस वक्त ज्यादातर लोग सोकर उठे होते हैं। तो ये जितना भी आप सो रहे हैं 5 से 8 घंटे के अंदर, उस वक्त आपने कोई खाना नहीं खाया होता, और इसके बाद अगर आप सुबह उठकर चलना शुरू करते हैं तो इससे आपके शरीर को जबरदस्त फायदे होते हैं। तो सुबह उठकर सबसे पहले अगर आप घूमने जाते हैं तो उस वक्त आपको क्या एडिशनल फायदे होते हैं, कृपया उनको समझ लें। हालांकि चलने के फायदे आपको हमेशा होंगे, लेकिन सुबह ये फायदे आपको ज्यादा होंगे। तो सबसे पहले तो आपके दिन की शुरुआत बहुत ही बेहतर हो जाएगी और आपका हार्ट अब और अच्छे से काम करेगा, पूरे बॉडी में अच्छे से खून भेज पाएगा, जिससे कि आप बिल्कुल तरोताजा हो जाएंगे, बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। आपके शरीर की एनर्जी को एकदम से बूस्ट करता है और आपकी सारी मांसपेशियों को बिल्कुल एकदम सतर्क कर देता है, जिससे कि अब सबके पास खून पहुंचता है तो बिल्कुल एक्टिव हो जाती हैं। और ये भरपूर मात्रा में जो आपको एनर्जी मिल रही है, अब इसकी वजह से आपका पूरा दिन भी हमेशा बेहतर रहता है, और क्योंकि आपका ये आलस्य बिल्कुल भाग गया है, इसकी वजह से आपका मूड भी अच्छा होता है और आप पूरे दिन अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं। दूसरा फायदा हमें यहाँ ये होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ही अच्छे तरीके से बूस्ट होता है। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने का जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो ये है कि आप अभी रेस्ट करके उठे हैं, तो कम से कम 5 से 8 घंटे तो आप सोए ही होंगे, और उस वक्त आपका जो बॉडी था वो आपके शरीर के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी थी उसके ऊपर चल रहा था। तो जैसे ही अब आप उठकर अपनी एक्टिविटी को और बढ़ा देते हैं तो आपके शरीर में और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे पूरा करने के लिए आपका शरीर, आपका लीवर, आपके सारे सिस्टम सचेत हो जाते हैं और आपके शरीर में जो फैट के रूप में एनर्जी स्टोर्ड है उसे इस्तेमाल करते हैं और ये एनर्जी बूस्ट आपको देते हैं, जिससे कि आपके शरीर के अंदर अब ये मेटाबॉलिज्म और सचेत हो जाता है और एक्टिव हो जाता है और अच्छी प्रकार से आपके शरीर के अंदर ये एनर्जी का प्रवाह बना रहता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। तीसरा फायदा आपको यहाँ से ये हो रहा है कि इस वक्त सबसे ज्यादा आपके शरीर के अंदर हम कहें फैट लॉस होता है। तो अगर आप भी मोटे हैं तो कृपया सुबह जितना ज्यादा चलेंगे उतना फायदा आपको ज्यादा होगा, क्योंकि अब जब आपके शरीर के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और आपके शरीर के अंदर दूसरे रिसोर्सेस खत्म हो चुके होंगे, तो इस वक्त आपका शरीर फैट को तोड़ेगा और जिससे कि अब आपका मोटापा घटने वाला है, आपकी कमर पतली होने वाली है और आप बीमारियों से दूर जाने वाले हैं। तो ये फायदा भी आपको यहाँ पर जबरदस्त मिलेगा। जो चौथा फायदा आपको यहाँ मिलता है वो ये है कि आपके शरीर के अंदर शुगर अच्छी तरीके से कंट्रोल हो पाता है, और जिन लोगों को शुगर की समस्या रहती है और उनका फास्टिंग ब्लड शुगर ज्यादा रहता है, तो उन्हें तो अच्छे से एक्सरसाइज और घूमना फिरना जरूर चाहिए, जिससे कि आपकी शुगर अच्छी तरीके से नियंत्रित हो पाए और आपको कम दवाओं की भी जरूरत पड़े, क्योंकि जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना आपके शरीर के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस घटेगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी और आप अपने शरीर की एक्टिविटी से जो ये एक्सेस अमाउंट में शुगर आपके शरीर में है उसको जब आप बर्नआउट कर देंगे तो आपको अब और जबरदस्त फायदा होने वाला है। पांचवा
पांचवा फायदा ये होगा कि अब आप खाने के लिए अच्छे से तैयार हो जाएंगे, आपका बॉडी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि आपके शरीर के जो दूसरे रिजर्व थे वो ऑलरेडी पहले ही खाली हो चुके हैं आपकी इस एक्टिविटी के कारण। तो जो आप खाना खाएंगे उसके अंदर जो शुगर रिलीज होगा वो पहले इन स्टोर्स को भरेगा और आपके शरीर के अंदर एकदम से शुगर की मात्रा नहीं बढ़ेगी, ये भी फायदा आपको यहाँ से अब होगा। छठा फायदा जो आपके पूरे शरीर को जबरदस्त फायदा देगा, अगर आप जो ये एक्टिविटी कर रहे हैं उसको घर के अंदर नहीं पार्क में जाकर धूप के अंदर करेंगे तो आपके फायदे अब काफी गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब आपको ये सनलाइट मिलेगी जिससे कि आपके शरीर का विटामिन डी बढ़ने वाला है तो आपके शरीर का पूरा कायाकल्प हो जाएगा और आपके शरीर को भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलने की वजह से आपके सारे शरीर में एनर्जी अच्छे से पहुंच पाएगी और आपके शरीर को ये जबरदस्त एनर्जी बूस्ट मिलेगा। तो कोशिश करें कि आप इसको हमेशा अपने पार्क में और धूप के अंदर करें, और उस वक्त भी अगर आप अपनी टी शर्ट और निकर के अंदर है तो आपको फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि ये सनलाइट भी जितना आपकी स्किन के ऊपर पड़ेगी तभी आपको फायदा होने वाला है। तो अगर आप इवनिंग में भी खाना खाने से पहले वॉक कर रहे हैं तो इस प्रकार के ये फायदे आपको यहाँ भी मिलने वाले हैं, लेकिन हम इनके कहें इनकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि जो सोने से एक बड़ा लैग आ जाता है वो लैग आपको दिन के अंदर कम ही मिल पाता है, क्योंकि आपने अगर लंच भी किया होगा तो ये समय 3 से 4 घंटे का ही होगा। लेकिन ऐसा कृपया बिल्कुल ना करें कि आप शाम को अगर आपके पास समय है तो घूमने ना जाएं, ये घूमना भी आपके लिए फायदेमंद है। तो इसलिए जब भी आपको समय मिलता है आपको जरूर घूमना चाहिए, क्योंकि ये काफी सारी स्टडीज से प्रमाणित हो गया है कि जितना हम घूमेंगे जितना हम एक्टिव रहेंगे उतना हमारा शरीर बढ़िया रहता है और इन क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस को जैसे कि बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट की बीमारियां, इनको हमसे दूर रखता है और हमारे शरीर में कैंसर होने की संभावनाओं को भी काफी कम कर देता है। अब हम बात करते हैं कि खाना खा के अगर आप घूमने जाते हैं तो आपको किस वक्त घूमने जाना चाहिए और उसके आपके शरीर पर क्या फायदे नुकसान होते हैं। अगर आपने अभी बहुत ज्यादा खाना खाया है तो कृपया एकदम से खाना खाने के बाद घूमने ना जाएं, ये आपके शरीर को थोड़ा नुकसान कर सकता है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर अब ज्यादातर खून जो है वो आपकी आंतों की तरफ चला गया है, जिससे कि काफी लोग ये देख पाते होंगे जैसे ही वो अच्छे से खाना खाते हैं उसके बाद उन्हें उबासी आती है, उन्हें नींद सी आने लगती है, इसका ये सबसे बड़ा कारण है। तो ऐसे में जब आपका शरीर की डिमांड आपकी आंत की तरफ ज्यादा है, उसको वहां खून ज्यादा चाहिए और आप अच्छे तरीके से घूमते भी हैं तो उस वक्त आपके हार्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है जिससे कि उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। वहीं पर अगर आपने हल्का खाना लिया है तो उसके बाद आप घूम सकते हैं और उसके लिए भी बेहतर है आप कम से कम 15-20 मिनट बाद घूमने निकलें, और जब आप ये 15-20 मिनट बाद घूमने निकल रहे हैं तो उससे आपके शरीर को भी जबरदस्त फायदे होंगे, ये आपकी पाचन क्रिया को बढ़ा देगा जिससे कि अब आप खाना अच्छे से पचा पाएंगे। दूसरा फायदा आपको ये होगा कि आपके पेट के अंदर जो तेजाब बन रहा है वो भी आपके खाने को अच्छे से पचा पाएगा और वो आपकी छाती के अंदर वापस रिफ्लक्स नहीं होगा, जिससे कि ज्यादातर लोगों को छाती के अंदर दर्द, पदहजमी या हम कहेंगे एसिडिटी टाइप समस्या होती है। तीसरा, खाना खाने के बाद एकदम से सो जाने से या बहुत ज्यादा देर बैठे रहने से और बार बार खाना खाने से जो आपके पेट में फुलावट सी आ जाती है या आपको ऐसा लगता है मेरे पेट में गुब्बारा सा फूल गया है, जिसको काफी लोग ब्लोटिंग सेंसेशन भी बोलते हैं, ये भी आपकी कम होगी और आपका जो खाना आंत के अंदर और पेट के अंदर है वो आगे जाने में ये आपकी वॉकिंग मदद करेगी, जिससे अब आपको इसके अंदर भी राहत मिलने वाली है। चौथा फायदा, स्पेशली जो लोग डायबिटिक हैं या जो प्री डायबिटिक हैं उनको ये फायदा होने वाला है कि जो एकदम से शुगर अब आपके ब्लड में चली गई है और अब आप घूमने निकल पड़े हैं तो आपकी मांसपेशियों को जो अब शुगर की रिक्वायरमेंट है तो वो सीधा ब्लड से मिल जाएगी, जिससे कि आपके शरीर के अंदर एकदम से ज्यादा ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा नहीं बढ़ेगी और जो बड़ी भी शुगर के नुकसान आपके शरीर को होते हैं वो आपको नहीं होंगे। तो ये डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए भी काफी अच्छा है। अब एक और बात आती है कि काफी लोग पूछते हैं कि मेरा आज कोई व्रत है, क्या मैं चल सकता हूँ या मुझे नहीं चलना चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपका शरीर की बनावट ठीक ठाक है, आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है,
तो आपको अच्छे से चलना चाहिए, उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बल्कि आज के दिन अगर आप अच्छे से और घूमेंगे तो आपका जो वजन है वो भी अच्छे से नियंत्रित रहेगा, आपको दूसरी और बीमारियां नहीं होंगी। यहीं पर बस आपको थोड़ा सतर्क यही रहना है कि अगर आप खाली पेट रहते हुए बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उससे आपको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। अगर आपके शरीर को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा थकावट हो रही है या आपको और तकलीफें हो रही हैं तो कृपया आप उसको बंद करें। और ये चलते हुए भी आपको इस वक्त भी ध्यान रखना है कि आप पानी अच्छे से पिए, क्योंकि पानी अगर नहीं पिएंगे तो आपकी मांसपेशियों को भी दिक्कत हो सकती है, उनके अंदर क्रैम्प्स आ सकते हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो ये काम भी आपको यहाँ पर जरूर ध्यान रखना है। इसलिए आप अपने उपवास के दौरान भी एक मॉडरेट वॉक जरूर कर सकते हैं, 20 से 25 मिनट तो आप आराम से घूम सकते हैं, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि आपके फायदे बढ़ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि आपको चलना जरूर चाहिए, चलने से आपके शरीर पर भरपूर फायदे होते हैं। जब आपको समय मिले जब चलें और सचेत रहें, आपको ये पता लग गया है खाली पेट चलने में आपको फायदे सबसे ज्यादा होंगे, लेकिन जब भी आप चलेंगे आपको फायदा जरूर होगा। बस आपसे यही अनुरोध है कि बहुत ज्यादा बड़ी डाइट खाकर, अच्छे से खाना खाकर आपको तुरंत बहुत तेज गति से नहीं चलना है, वहां पर आपको थोड़ी नुकसान की गुंजाइश जरूर हो सकती है। लेकिन अगर आप एक बैलेंस्ड मील खाते हैं, हल्का खाना खाते हैं और उसके बाद आप आराम से चल रहे हैं तो उससे आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने वाली, आपके शरीर को फायदे ही होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। कृपया कमेंट बॉक्स का भी भरपूर इस्तेमाल करें। आपके किसी प्रकार के कोई विचार हैं, आपके सुझाव हैं, उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके कुछ प्रश्न हैं तो उनको भी जरूर शेयर करें, मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं जल्दी उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जल्दी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।